टोल किस लिए मैं बनाया गया? टोल प्लाजा, टोल टैक्स राजस्व की वसूली के लिए अच्छा, बनाया उसी गया का। वहाँ सर, पे बरौनी के लिए स्टॉप बनाया पॉइंट गया। लगाया गया है, बांस का हाँ, वो घेरा निकल के बनाया टोल टैक्स गया है, बचा के निकल किसी जाता प्रकार का है, वसूली इसको नहीं ऐसा है। लगता है। तो हमारा 1033 कंप्लेन है और हमारा ऑलरेडी मोबाइल नंबर ऑनलाइन है, कहीं अगर भी कोई आपको उधर कंप्लेन कर लोकल सकते साइड हैं। में जाना है तो आप जा सकते हैं विदाउट पैसा के। रोड के मुद्दा पर ना बात करेंगे जी, पहले बात कीजिए ना मैनेजर साहब से, बंद कीजिए वाली मैनेजर साहब से ही कैमरा बात कर रहे हैं, हमको कोई रोड के मुद्दा पर बात करना है। कैमरा बंद करके जाइए। बंद करके कैसे चल जाएंगे सर? करेक्ट सर रोडे के मुद्दा पर बात करना है हमसे। और पहले बात कर लीजिए, फिर जाके कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ ठीक है, बात पहले बात कर लीजिए। कैमरा कैमरा बंद, कैमरा में कोई दिक्कत नहीं है सर, हम लोग भी आपके क्षेत्र से हैं। ठीक है, मेरा नाम हुआ मिथुन कुमार, ठीक है, मैं हिमांशी न्यूज से हूँ। आप यहाँ पे किस पद पे? थोड़ा टोल प्लाजा मैनेजर हैं। आगे आ जाएंगे सर। जी जी टोल प्लाजा मैनेजर हैं। टोल प्लाजा मैनेजर है सर। टोल प्लाजा क्यों बनाया जाए? एक सेकंड सर, पहले मैंने आपको बोला आप लाइक बंद करिए, कैमरा बंद। मैनेजर साहब कहाँ हैं? सर मैं हिमांशी न्यूज से हूँ और हम आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं रोड के मामले पे। बताइए। यहाँ के क्या हुए हैं? मैं मैनेजर हुआ, नाम क्या हुआ? आनंद मिश्रा, कोई किस पद पर मैनेजर? आईटी मैनेजर एंड ऑफ टोल ऑपरेशन। सर टोल किस लिए बनाया जाए? टोल प्लाजा, टोल टैक्स राजस्व की वसूली के लिए बनाया जाता है, जो रोड एनएचएआई आपको बना कर देती है उसको मेंटेनेंस और सर्विस के लिए। अगर रोड कहीं पे टूटती है तो उसका बनाना किसकी जिम्मेवारी है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेवारी है। और रोड पर जो टोल लोग देते हैं अपना टैक्स, प्रॉपर एम्प्लॉयज रखे हुए हैं रोड मेंटेनेंस के लिए, सर्विसेज के लिए। हमारे पास एम्बुलेंस, क्रेन, सारी चीज़ें अवेलेबल है, जो कि 1033 कंप्लेन के थ्रू इमीडिएट हमारे पास सर्विसेज आती हैं, हम उसको इमीडिएट रिजॉल्व करते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक आपका रूट हुआ? ये हमारा चांदनी चौक से लेकर बरौनी 0 माइल। चांदनी चौक से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर चांदनी चौक से बरौनी गोलम्बर तक इनका रूट हुआ, और चांदनी चौक मुजफ्फरपुर से लेके बरौनी तक किसी भी प्रकार का रोड में कमी आएगी, कहीं पुल टूट गया, कहीं पे रोड का पीच उखड़ गया, कहीं पे कुछ हो गया, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके रहती है और रोड बनवाने का काम इनका है। तब जाके टोल प्लाजा पे जितनी भी गाड़ियां आती है तब वो टोल देती है। अब टोल देने के साथ साथ भी इन लोग का भी थोड़ा क्या होता है, मनोबल बढ़ जाता है। अब क्या बढ़ जाता है सर, थोड़ा इनसे पूछते हैं। सर इससे थोड़ा पीछे लगभग 100 मीटर पीछे एक कट पॉइंट आप बनाए हैं, ठीक है, कट पॉइंट बनाया है जो, एक मिनट सर, हम देखे हैं, वो थोड़ा ही पीछे है आपको पता होगा, और वो रोड जाती है मान लीजिए इधर से जाती है, वहाँ पे स्टॉप पॉइंट लगाया गया है, बांस का घेरा बनाया गया है, जितनी भी गाड़ियाँ आती है, चार चक्का हो, ट्रक हो या जो भी हो, उसका एविडेंस है मेरे पास, वो जितनी भी गाड़ियाँ जाती है उनको रोक करके पैसा वसूली किया जाता है। क्या वो आपके माध्यम से किया जा रहा है कि कोई ऐसे कोई मतलब दलाल कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे जो गाड़ियाँ आती हैं, जैसे वो अभी एक सीधा रास्ता हमारे एनएच में आगे जाके काजिंडा में निकलता है, बहुत सारी गाड़ियाँ टोल टैक्स बचा बरौनी से आती हैं, और जो लोकल के यूज़र्स होते हैं उनको पता होता है रोड की टोल डाइवर्जन क्या है, वहाँ से वो निकल के और टोल टैक्स बचा के निकल जाती है, रोड पूरा यूज़ करती है। तो हमारा वहाँ पर लोकल, हमने स्टाफ रख रखा हुआ है जिसको वेरीफाई करते हैं और गाड़ियों को डाइवर्ट करते हैं, वहाँ पर किसी प्रकार का वसूली नहीं होता। पर्चा देते हैं कि नहीं देते? पर्चा देते हैं, गाड़ी डाइवर्ट करवा दिया जाता है सीधा, वो पैसा नहीं लेते? नहीं, टोल प्लाजा पर आते हैं। लेकिन लोगों का तो शिकायत है कि से पैसा लिया जाता है। नहीं, अगर जैसे उसका यहाँ का, जैसे मान लीजिए कोई ट्रक पिकअप है, यहाँ पे आप 40, 50, 100 जो भी लेते होइएगा, वहाँ पे बताया जाता है कि से उससे 50% कम में वहाँ पे गाड़ी पैसा कैश लेके छोड़ दिया जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर किसी को ऐसा लगता है तो हमारा 1033 कंप्लेन है और हमारा ऑलरेडी मोबाइल नंबर ऑनलाइन है, कहीं भी कोई कंप्लेन कर सकता है, हम उस पर इमीडिएट एक्शन लेंगे। जांच पड़ताल के बाद सर अगर वहाँ के जो कर्मी होंगे उनको लगेगा कि इसे यहाँ से थोड़ा ही दूर जाना है उसको, जैसे जमरुआ साइड हो गया, उधर जो भी लोकल गांव होंगे, जैसे एनएच पर फिर मतलब वहाँ से कट के फिर से एनएच पर उसको नहीं चढ़ना है, उधर की रूट के महुआ जाना है, कहीं जाना है, मरीचा जाना है, तो अगर वैसे को वेरीफाई करने के बाद अगर उनको लगेगा, चाहे कोई वहाँ का उसका ड्राइवर बोलेंगे कि हमको वहाँ जाना है, तो उससे तो पैसा नहीं लिया जाएगा? उसे किसी प्रकार अगर लिया जाता है इस पर क्विक एक्शन लीजिएगा? एकदम इमीडिएट लेंगे ऐसे चीज़ के लिए। आप सभी यूजर को, आप न्यूज़ वाले हैं कहीं भी बताइए कि अगर कोई ऐसा करता है तो इमीडिएट, मेरा नंबर ऑनलाइन है, कभी भी मेरा नंबर डालेंगे, आनंद सर डालेंगे, टोल महंत बनिए टोल प्लाजा, मेरा नंबर आएगा, उस पर इमीडिएट कंप्लेन करें। तो जान लीजिए ड्राइवर साहब, सब मनियारी महंत मनियारी यहाँ टोल प्लाजा है और कट पॉइंट है वहाँ पे। अगर आपको चोरी से जाना है तो भैया पैसा देना पड़ेगा,
अगर आपको कहीं दूसरे जगह पे जैसे महुआ रूट में जाना है, फिर से जैसे यहाँ से कटने के बाद फिर से अगर आपको एनएच पे नहीं चढ़ना है तो आपको पैसा नहीं लगेगी। अगर वहाँ के कर्मी आपके साथ जबरदस्ती करते हैं तो इनका जो नंबर अभी बताया स्क्रीन पर भी नंबर चल रही है, वो नंबर देख लीजिएगा आप, टोल प्लाजा का नंबर है, उस टोल प्लाजा पर आप डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं, नहीं तो गाड़ी के साथ आप यहाँ पे आइए और यहाँ के मैनेजर साहब के भी आप शिकायत कर सकते हैं। और दूसरी बात है सर, ठीक है आप पैसा मान लीजिए लिए, ठीक है पैसा बहुत जगह लिया जाता है, यहाँ नहीं लेते आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पैसा मान लीजिए वहाँ पे अगर चल भी रहा होगा ऐसा धांधली, तो रोड भी वहाँ का थोड़ा आप देख लेते, मान लीजिए किसे आपको तो टोल चलाना है, ग्रामीण रोड है और वो हमारे अंतर्गत नहीं आता है, और बहुत सारी गाड़ियाँ गाँव वाले ही मूव करवा देते हैं, जैसे उनका रिलेटिव हुआ कह रहा है कि आके बवाल करना, वहाँ पे झंझट करने लगते हैं, ऐसे केसेस में हम लोकल वालों को डिस्टर्ब करते ही नहीं हैं कि बाय द वे हमारे स्टाफ हैं लोकल का, हमने इसीलिए रखा हुआ है कि वो गाड़ियों को आइडेंटिफाई कर सके कि ये एक्चुअल रोड लोकल का है या बाहरी गाड़ियाँ टोल टैक्स बचाने के चक्कर में उधर से निकल रही हैं। हमारा मेन मोटिव ये है कि राजस्व की हानि ना हो, टोल प्लाजा का लॉस ना हो, इसलिए हमने बंदों को रखा हुआ है वहाँ पे कि वो सीधा गाड़ियों को डाइवर्ट करवाएं टोल प्लाजा से होके निकले। चलिए सर, बात करने से आपको अच्छा लगा, और सिर्फ हम यही जानना चाह रहे थे इनसे, आप लोग भी एक न्यूज़ देना चाहते हैं, आप लोग भी ये सूचना जान लीजिए, अगर आपको उधर लोकल साइड में जाना है तो आप जा सकते हैं विदाउट पैसा के, आपको पैसा नहीं लगेगी। अगर वहाँ के कर्मी आपके साथ बदसलूकी करते हैं, आपके साथ ज़बरदस्ती करते हैं, तो स्क्रीन पर चल रही है नंबर पर आप टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर लें, और नहीं तो आप यहाँ पे मैनेजर साहब के साथ आके उसको शिकायत करें, आप उनका शिकायत करें। जब तक के लिए और आगे ऐसी सूचना आपको देते रहेंगे, जब तक के लिए जय हिंद।